स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आबकारी विभाग की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अलसुबह दबिश देकर बड़ी मात्रा में चलित भट्टियों पर बनाई जा रही कच्ची शराब जब्त कर मौके पर नष्ट करवाई। वहीं आबकारी टीम को देकर अवैध कच्ची शराब बनाने वाले मौके से जंगल की ओर भाग निकले। आबकारी की टीम को मौके पर दो महिलाएं भी मिली जो चलित भट्टी पर अवैध कच्ची शराब बना रही थी। दोनों महिलाओं के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण संग्रहण विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी विभाग जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसे आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में ग्राम बरोठा एवं बिलाखेड़ा में बुधवार अलसुबह आबकारी की संयुक्त टीम ने छापा मारा तो आबकारी अमले को दूर से देखकर मदिरा बनाने वाले जंगल में भाग गए, जहां पर कई चलित भट्टियां पाई गई जिनको मौके से नष्ट किया गया। साथ ही आसपास पर नालों में गड़े महुआ लहान के ड्रमों को एवं लहान को विधिवत नष्ट किया गया। बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 1,28,600 रुपये है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, DP सिंह विजय कुचेरिया, निधि शर्मा, दिनेश भार्गव, विष्णु प्रसाद कलोसियार, राजाराम रेकवार, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, राजेश जोशी, अशोक सेन, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता, गोविंद विकास, दीपक चटवारे, सनत ओझा, संगीता यादव एवं सैनिक केदार चौधरी मौजूद थे। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। मैडम, आज आबकारी विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? देवास जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय और जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के निर्देशन में देवास शहर के वृत्त ब के अंतर्गत ग्राम बरोठा एवं बिलाखेड़ा ग्राम में आबकारी विभाग के द्वारा संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें नालों किनारों एवं घरों में चले हाथभट्टियाँ मौके पर प्राप्त करके उनको विधिवत नष्ट किया गया। इसमें उक्त कार्रवाई में 68 लीटर कच्ची हाथभट्टी मदिरा, 2300 किलो महुआ लहन एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। उक्त जब्त मदिरा का बाजार मूल्य 1,28,600 है। आपका नाम? राजकुमारी मंडलोई, जिला देवास। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।